आपने शादी कल सुबह की फिक्स की है ना, मेरी मानो अभी करो। घर पे भी नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कार्तिक कहाँ है इस वक्त? बहुत परेशान भी लग रहा था, पता नहीं क्या सोचे जा रहा है। क्या करूं, मेहरा की मांग भर दो आज, पर वो पूछेगी तो क्या बताऊंगा? कल तक का वेट क्यों नहीं कर रहा हूं? पूछेगी तो जरूर, पर मुझे वेट करना होगा। कल तक का वेट करना होगा मुझे, और तुम्हें ठीक होना होगा ना यार, मेरे लिए। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर इतनी देर से एक्टिंग कर रही हूँ सोने की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही यार। अब तो लेटा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मेरे डॉक्टर तो तुम ही हो ना। तुम ही हो डॉक्टर, तुम ही हो लवर, तुम ही हो बॉयफ्रेंड, तुम ही होने वाले हस्बैंड। प्लॉट का ज्यादा असर हो गया लगता है, सिंगर बन गई तुम तो। जी नहीं, बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे अभी भी रियलाइज हुआ, ये हॉस्पिटल ना बहुत ही बोरिंग जगह है। अच्छा, हो तो इस बात पे तो ऑफेंस लूंगा मैं, मेरे होते हुए तुम्हें बोर हो रहा है। अब तो आगे पूरी जिंदगी बितानी है साथ में, अभी से बोर हो रहा है। तुम भी तो मुझे एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करो ना। तुम्हें आराम की जरूरत है ना, तुम सो जाओ। देखो कितना बोर कर रहे हो तुम। मैं नहीं देख रही, आसपास कोई भी नहीं है। सुनो, सो जाओ ना प्लीज, मैं सुला दूं तुम्हें। अच्छा जी, बहुत संत बन रहे हो ना तुम। देख लो, मैं भी फिर बन जाऊंगी सन्यासन। शादी की बताए ना मेरे पास, तो फिर बताऊंगी तुम्हें। शादी के बाद तो सर्जरी है ना, कटाई। सॉरी नायर, क्या करूं, अपने डर पे काबू नहीं कर पा रहा, शायद इसलिए तुम्हें अपसेट कर दिया। मिस नायरा। कार्तिक प्लीज परेशान मत कर, अब सोने दो। कार्तिक नहीं, डॉक्टर कार्तिक। अच्छा तो किस चीज के डॉक्टर हैं आप डॉक्टर कार्तिक? आपको किस चीज का डॉक्टर चाहिए? कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है आपको? अब क्या क्या गिनवाऊं डॉक्टर साहब, कितनी तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है। बहुत बोर हो रही हूँ, इरिटेशन भी है और डर भी है, और एक मेरा होने वाला पति है जो मुझे और भी ज्यादा बोर कर रहा है। ओ, तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। जी बिल्कुल, उसे ना आप खूब सारे इंजेक्शंस लगाइएगा ताकि उसके अंदर की जितनी बोरियत है ना वो सब निकल जाए, और उसका डर भी जो अपनी नायरा के लिए लग रहा है उसे। क्या सोचने लगे डॉक्टर साहब? नहीं कुछ नहीं, बस इंजेक्शन का नाम सोच रहा था कि कौन सी इंजेक्शन दूँ उसे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला देना, बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ नायरा, जो मुझे कल के लिए स्ट्रॉन्ग बना जाए वही वाला। क्या क्या हुआ नैतिक जी, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? वो बा मुझे चॉकलेट चाहिए थी, आपके पास है? एक्चुअली मैं अपनी दवाइयाँ घर पे छोड़ आया हूँ ना, तो मुझे। और आपको पैनिक अटैक आ रहा है? हाँ मतलब कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को संभालने की,
लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए मुझे आपको चॉकलेट से मीठे से मिलती है। नहीं, हिम्मत तो अपनों से मिलती है। जिंदगी में कुछ चीजें हो जाती हैं जो आपको तोड़ के रख देती हैं, स्पेशली वो चीजें जो आपके अपनों के साथ होती हैं। मैं समझ सकता हूँ नैतिक जी, मैं खुद भी गुजर चुका हूँ जिंदगी में ऐसे हालात से। आइए चलिए, I'll give you some chocolates. बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है तुझसे जुड़ा मन, तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे ऐसी खामोशियों में, छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे, ओ मोरे सैया अखिल, ये क्या कर रहे हैं आप? ऑलरेडी मन इतना परेशान है नायरा की बीमारी को लेके, उस पे भी आप ये परेशानी लेकर बैठ गए, कुछ बहुत अर्जेंट है क्या? हाँ, वो मैंने भाई साहब को नहीं बताया क्योंकि वो दूसरे इशू से डील कर रहे हैं, पर ये काम भी बहुत अर्जेंट है, अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बात कहूँ आपसे, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, भाई साहब जितने परेशान है उतने परेशान आप भी हैं। कार्तिक नायरा जितना उनसे अटैच है उतने ही वो आपसे भी अटैच है। I know, सुरेखा, पर मुश्किल वक्त है, किसी को तो संभालना होगा ना। हमेशा आप ही क्यों ये सब करते हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को दिखता भी नहीं कि आप किस किस के लिए क्या क्या करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी भी जताने और दिखाने की कोशिश भी नहीं की। कॉफी पियेंगे? बताना तो है सुरेखा, नारा की सर्जरी हो जाए, कार्तिक नारा दोनों घर पे आ जाए, उसके बाद मैं भाई साहब से बात करूंगा। क्या बात करनी थी अखिलेश? कुछ कहना है? बोलो भाई, क्या कहना है? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ खास नहीं। वो चेन्नई वाले क्लाइंट्स का अकाउंट देख रहा था तो, पर इट्स ओके, मैं कल मैनेजर से बात कर लूंगा, उससे डिस्कस कर लूंगा, उसे ज्यादा डिटेल्स पता है। थैंक यू अखिलेश फॉर बीइंग देयर फॉर मी, मींस अ लॉट टू मी। चल तुम भी सो, मैं भी जाके आराम करता हूं। काश मेरे बिना कहे भी आप समझ पाते, देख पाते कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। काश भाई साहब, काश। What's going on? क्योंकि फिल्म तो चल नहीं रही है, ये हॉस्पिटल है वो भी असली वाला। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरास लगे हैं हर जगह, आप ही हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो आपने कॉटन खराब की थी ना उसके बिल आपके रूम नंबर पे ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। आप दोनों जाके सो जाइए, कल के लिए आपको आराम की जरूरत है। आप कल आएंगे ना हमारी शादी में? ऑफ कोर्स आऊंगा। चलो
कुछ आप पे छोड़ दिया कृष्णा जी, सब आपके हाथ में है, धोखा मत दीजिएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।